हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण। आप देख रहे हो ऑनलाइन जिसका, और आज मेरे पास है एक और बजट फ्रेंडली ब्लूटूथ ईयरफोन्स जो आते हैं विंग्स की तरफ से, विंग्स अल्टिमो, जो कि एक मैग्नेटिक ब्लूटूथ ईयरफोन्स है जहां पर कि ईयरबड्स के अंदर मैग्नेटिक लॉक देखने को मिलता है। साथ में ईयरफोन्स जो है IPX7 सर्टिफाइड वाटर रेसिस्टेंट भी है, जिनको कि आप रनिंग, वर्कआउट या फिर जॉगिंग वगैरह के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स की, स्पेसिफिकेशंस की, और वीडियो के लास्ट में मिलेगा मेरा ओपिनियन जिस प्राइस में विंग्स अल्टिमो मैग्नेटिक ब्लूटूथ ईयरफोन्स मिलते हैं आपके लिए वैल्यू फॉर मनी ब्लूटूथ ईयरफोन्स रहेंगे या फिर नहीं। तो गाइस, कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है विंग्स अल्टिमो मैग्नेटिक ब्लूटूथ ईयरफोन्स। बॉक्स के सामने विंग्स का लोगो, नीचे की तरफ मॉडल नेम दिया हुआ है, और बॉक्स के साइड में यहाँ पर कुछ की फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि IPX7 वाटर रेसिस्टेंट, डीप बेस अप टू 6 आवर्स का प्ले टाइम, कम्फर्ट फिट और HD माइक्रोफोन। और इसके अलावा यहाँ पर पीछे की तरफ दिया हुआ है प्राउडली डिजाइन इन इंडिया। साथ में यहाँ पर कस्टमर केयर की डिटेल्स, इंपोर्टेड एंड मार्केटेड बाय की डिटेल्स, साथ में दिया हुआ है MRP जो है 3299, मतलब कि 3,299 रुपए। लेकिन विंग्स अल्टिमो मैग्नेटिक ब्लूटूथ ईयरफोन्स amazon.in, इसके अलावा myntra.com से मिल जाते हैं 999 रुपीज के अप्रोक्स। बेस्ट वाई लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। अब फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। तो यहाँ पर ईयरफोन्स रखे हुए मिलते हैं कुछ इस तरीके से, काफी अच्छी पैकेजिंग लग रही है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। बाकी यहां पर कुछ और सामान भी मिलता है बॉक्स के अंदर से, जैसे कि यहां पर एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल, जिसको कि आप अपने मोबाइल फोन के चार्जर के साथ ईयरफोन्स को चार्ज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक छोटी सी यूजर गाइड भी है, जहां पर के बेसिक सारे डिटेल्स दिए हुए हैं किस तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स जो है स्मॉल और लार्ज साइजेस में। सॉफ्ट ईयर टिप्स हैं, क्वालिटी अच्छी है, और मीडियम साइज वाले ईयरफोन्स के ऊपर फिक्स मिलते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन ईयरफोन्स पर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं ईयरफोन्स को, तो कुछ इस तरीके से मिलते हैं मेन ईयरफोन्स। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डिज़ाइन जो है स्पोर्ट्स फ्रेंडली है, तो आप वर्कआउट, रनिंग, जॉगिंग वगैरह के दौरान ज़रूर से इस्तेमाल कर पाएंगे। वायर जो है यहाँ पर रबराइज्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। बाकी यहाँ पर ऊपर की तरफ जो वायर है ये थोड़ा सा थिक ज़्यादा है, और ईयरबड्स तक जो वायर जाता है ये थोड़ा सा थिन है। बाकी ये जो जोड़ है ये प्लास्टिक केसिंग का है, साथ में विंग्स की ब्रांडिंग भी यहाँ पर दी हुई है। और सेम टाइप का एक और जोड़ दिया गया है, वो है दूसरी साइड, जहाँ पर के कुछ कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं। टोटल 3 कंट्रोल बटन्स हैं। तो यहाँ पर जो बीच वाला बटन है ये है मेन पावर बटन, जिसको कि प्रेस एंड होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए तो डायरेक्टली डिस्कवरेबल मोड में ऑन हो जाते हैं ब्लूटूथ ईयरफोन्स। यहाँ पर व्हाइट और रेड कलर की जो LED नोटिफिकेशन लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है, और सिंपली आप किसी भी ब्लूटूथ अनेबल्ड एंड्रॉयड या फिर iOS डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विंग्स अपलिफ्ट शो कर रहा था, जबकि ये है विंग्स अल्टिमो। और ये जो पावर बटन है इसको मल्टी फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल पिक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, इसके अलावा प्रेस एंड होल्ड करेंगे कॉल आ रहा है तो कॉल रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और पावर बटन को 2-3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो गूगल असिस्टेंट भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर म्यूजिक प्लेबैक के दौरान इसी बटन के जरिए आप प्ले पॉज कर सकते हैं किसी भी ट्रैक को। बाकी इस बटन के अलावा ऊपर नीचे जो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है, तो वॉल्यूम तो कम ज़्यादा कर ही पाएंगे इनको बार बार प्रेस करके। इसके अलावा प्रेस एंड होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए तो यहाँ पर ट्रैक नेक्स्ट और प्रीवियस भी कर सकते हैं। और ओवरऑल जो क्वालिटी है इसकी काफ़ी अच्छी है। साथ में यहाँ पर एक HD माइक्रोफोन भी दिया गया है कॉल्स पर बात करने के लिए। साथ में यहाँ पर एक दिया गया है माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, जिसके जरिए 5V 1 एम्पियर के चार्जर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ईयरफोन्स के अंदर जो 120 mAh की बैटरी है इसको आप 1.5 आवर्स में, मतलब कि करीब 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। और एक बार फुल चार्ज करने के बाद ईयरफोन से करीब करीब 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा 80-90% तक के वॉल्यूम पर। नेक्स्ट यहाँ पर ईयरबड्स की बात करें तो मेटल केसिंग के साथ में आते हैं। विंग्स का लोगो यहाँ पर इस तरफ दिया हुआ है, जो कि दिखने में काफ़ी सही लग रहा है। और ओवरऑल जो जोड़ है वायर के साथ में ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इसके अलावा ईयरबड्स के अंदर दिए गए हैं 10 mm के ड्राइवर यूनिट्स, जो कि नियोडाइमियम के मैग्नेट्स के साथ में आते हैं। और ईयरबड्स जो है मैग्नेटिक लॉक के साथ में आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है, और इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो नेक में अपने आप को अरेंज रखते हैं और खोने की भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा डिजाइन और कंफर्ट की बात करें तो 45 डिग्री के एंगल पर टिल्टेड है, और मुझे पर्सनली ये वाला डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आता है, बिकॉज कानों में काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं। साथ में यहाँ पर टोटल ईयरफोन्स का जो वेट है वो है 20 ग्राम, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। तो यहाँ पर इन ईयरफोन्स को वर्कआउट, रनिंग या फिर जॉगिंग वगैरह के दौरान अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हैं, कानों से निकलेंगे नहीं। बाकी ईयर टिप्स भी यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो यहाँ पर 2-3 घंटे लगातार मैंने इनको इस्तेमाल किया, फिर भी यहाँ पर कोई पेन वेन की दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई। अब मैं बात करूँ इन ईयरफोन्स के थ्रू मिलने वाले साउंड आउटपुट के बारे में, तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लीजिएगा इन ईयरफोन्स के थ्रू मिलने वाले साउंड आउटपुट को। बाकी बात करते हैं थोड़ी देर बाद।
फाइनली अब मैं बात करूँ ईयरफोन्स के साउंड आउटपुट के बारे में, तो ट्रेबल अच्छा है, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड्स जो म्यूजिक के दौरान सुनाई देते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से सुनाई दे जाते हैं 80-90% तक के वॉल्यूम पर, 100% वॉल्यूम पर हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन सुनने को मिले, साथ में वोकल्स भी क्लियर रहते हैं 80-90% तक के वॉल्यूम पर। बेस की बात करूँ तो बेस भी काफी अच्छी क्वालिटी का पंची बेस सुनने को मिलता है, बाकी जो ओवरऑल साउंड आउटपुट है मैं बोलूंगा वेल बैलेंस्ड है, इतना ज्यादा लाउड नहीं है कि 100% वॉल्यूम पर सुनने में दिक्कत हो। फाइनली अब बात करें प्राइस की, तो करीब 1000 के प्राइस में Myntra.com और Amazon.in से मिल जाते हैं, और इस प्राइस को देखते हुए जो बिल्ड क्वालिटी आपको मिल रही है तो ओवरऑल मैं बोलूंगा अच्छी है, इतनी ज्यादा तगड़ी तो नहीं है कि जो टूटे नहीं, ज्यादा जबरदस्ती से खींच देंगे तो टूट भी सकती है, और इस प्राइस को देखते हुए तो मैं बोलूंगा जो डिजाइन है वो काफी अच्छा है, और जो मैग्नेटिक लॉक है ये भी काफी ज्यादा यूजफुल है, ईयरफोन्स वगैरह खोने की दिक्कत नहीं है। बाकी ब्लूटूथ का वर्जन मिलता है 4.2 जिसके जरिए 8 से 10 मीटर तक तो बड़े आराम से किसी भी ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस से कनेक्ट रहते हैं, बाकी कॉलिंग के दौरान भी माइक के थ्रू जो वॉइस जाती है दूसरी तरफ काफी अच्छे से पहुंच जाती है, लेकिन ये ध्यान में रखना है यहाँ पर जो आपके बैकग्राउंड की वॉइस है नॉइज है वो भी दूसरी तरफ पहुंच जाता है। IPX7 सर्टिफाइड वाटर असिस्टेंट भी है, तो आप वर्कआउट रनिंग वगैरह के दौरान या फिर थोड़े बहुत बारिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन ईयरफोन्स को, कोई दिक्कत होने नहीं वाली, साथ में 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिल जाती है इन ईयरफोन्स पर जो कि काफी अच्छी बात है। ओवरऑल मैं तो यही बोलूंगा 999 रुपए के प्राइस में ईयरफोन्स एक पिक है, जरूर से आप खरीद सकते हैं। बेस्ट वे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा अगली बार तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इसके अलावा और भी कई सारे विंग्स के मैंने नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन्स की वीडियोज ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो इधर आई बटन में एक बार चेक कर लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।